रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये इमेज में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हाँ ये इमेज में लिखा हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करना है, राइट? अच्छा हाँ जैसे यहाँ लिखा ठीक हुआ है सेम यहाँ टाइप करना है। क्वेश्चन है। नंबर टू में अच्छा ये है कि यहाँ मान लीजिए मैंने आज का डेट डाल दिया, ये आज का डेट है, ये आज का डेट जो है ना इस तरह का डेट, इस तरह के डेट फॉर्मेट में दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, जैसा डालेंगे वैसा ही तो जाएगा ए फॉर्मेट, ए फॉर्मेट दिख रहा है ना, इस फॉर्मेट में देखना शो करना है। जैसे पहले डेज होना चाहिए, सर। फिर मंथ का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, फिर डेट होना चाहिए, फिर ईयर होना चाहिए, वो तो कॉलम में जाके सेटिंग करनी पड़ेगी। कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पे। हाँ कस्टम फॉर्मेटिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 1 सितंबर का डेट डाल देता हूँ, सही रहेगा। अब 1 सितंबर के डेट में मुझे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है नेक्स्ट 7 डेज। आपने आई थिंक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ाया था मैंने आपको डेट ऑफरिंग, और डेट ऑफरिंग में यहाँ था द लास्ट 7 डेज दिख रहा है। तो लास्ट हाँ क्या कर रहा था कि जो आज सिस्टम डेट है उस सिस्टम डेट से 7 दिन पहले का डेट हाईलाइट कर देता था, ठीक सर। है? और आपको इसी को क्या करना है, नेक्स्ट 7 डेज यहाँ लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट 7 डेज को हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि मुझे इस पे आइकन, जो आइकन आपका है ए वाला आइकन इस्तेमाल करना है, और ए वाला आइकन में जो इस्तेमाल करना है तो कंडीशन जो है इसके अकॉर्डिंग होगा कि अगर 5% से ऊपर गया तो ए आइकन शो करना चाहिए, 0 और 5% के बीच में हो तो ए आइकन शो करना चाहिए, 0 और 5% माइनस में हो तो ए, और 5% माइनस से नीचे हो तो ए आइकन शो करना चाहिए, ठीक है? समझे कि नहीं? ये तो आइकन तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सर, बट ये कैसे पर डालेंगे क्या आइकन अगर के इतना अंदर, पर्स। आइकन जब अप्लाई आप करते हैं तो अप्लाई माने हाँ आइकन आपने अप्लाई कर दिया तो मैनेज रूल में जब जाइएगा तो यहाँ इसके अंदर की सेटिंग होती है, ठीक है ना? यहाँ पे एक सेटिंग चेंज करना है आपको, ओके? क्वेश्चन ठीक है। नंबर 7, आपको एक फॉर्म बनानी है, और फॉर्म बनाने के बाद मैं एक एग्जांपल है, अब ऐसा ही फॉर्म नहीं बनाना है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बट वही है कि मेरा कर्सर वहीं पे मूव होना चाहिए जहां पे मुझे टाइप करना है, ठीक है? प्रोटेक्शन अप्लाई करें, प्रोटेक्ट शीट है, ये अनप्रोटेक्ट नहीं होगा, मैं इसकी पासवर्ड भूल गया हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो हमें फिल्टर अप्लाई करना है, मुझे इसमें से डेटा को निकालना है, ठीक है ना? डेटा निकाल के एक नई सीट पे कॉपी पेस्ट करना है, डेटा निकाल के क्या करना है, एक नई सीट पे कॉपी कॉपी पेस्ट करना। पेस्ट। देखिए कौन सा डेटा, देखिए दो चीजें है इसमें, यहाँ दिख रहा होगा कि कॉन्टेक्ट ईएमआई एमआई इक्वल टू आर, आर फॉर यहाँ रेजिडेंस, फिल्टर लगा दूंगी, सॉर्टिंग लगा दूंगी। यहाँ पे आर वाले मुझे सारे चाहिए, राइट? लेकिन आर वाले वो जिसका हाउस नंबर इनमें से कोई एक हो, या 12 हो, या 465 हो, 70 हो, 50 हो, 14 है, मतलब ये समझिए ना कि किसी का एड्रेस मुझे ट्रेस करना है, मुझे पूरा एड्रेस याद नहीं है लेकिन उसका हाउस नंबर मुझे मिला है कि 12, 465, 70, 50 और 14। अब मुझे यहाँ से ये हाउस नंबर वाले एड्रेसेस जो रेजिडेंस में है उसको लेके एक नई सीट पे डालना है, समझ गए? क्लियर है? हाँ सर ये थोड़ा उसके बाद कोई टफ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। 7 जो है 1 से लेके 7 तक की जो है वो तो मैंने आपको पढ़ाया टफ हुआ हूँ, उसके दिया हूँ। अब 8, 9 जो है ये आपका कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि तो अगली टॉपिक हमारी पिवट टेबल है। अब मुझे जानना है कि आपके अच्छा पास पिवट टेबल की कितनी नॉलेज है, आपके पास पिवट टेबल की कितनी नॉलेज। नॉलेज तो उस केस में ठीक आपको एक सर। पिवट टेबल बनाना है, राइट? और ये जो पिवट टेबल आपको ये डेटा दिख रहा है, मुझे इस पे
यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मेक ए पिवट टेबल पिवट टेबल होता क्या है सर? अच्छा वो पता ही नहीं है आपको? कोई नहीं। अच्छा, नहीं, सिटी वाइज पिन रिपोर्ट निकालनी है कि किस सिटी में ओवरऑल साल में कितना नंबर। सेल हुआ है। तो ये आपको पता नहीं, अच्छा, इसको इग्नोर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। सातवां नंबर, फिर सातवां आते हैं नवां सर। नौवां, सॉरी नौवां नंबर में। इसको अबे चार्ट देखिए क्या डे वाइज मेरे ज्वाइनिंग्स है। तो 13वें दिन तक हाँ ज्वाइनिंग हुआ है 732 हुआ है, टोटल ज्वाइनिंग हुआ है 758, लेकिन मेरा गोल था ज्वाइनिंग करने का वो था 1000। अब इस इंफॉर्मेशन को चार्ट के में आपको रिप्रेजेंट करना है। 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन तो आपको आजकल में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छा, बाकी अच्छा इसमें से कोई एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट बनाना था, इसको आप आराम से बनाइएगा, इसको बनाने का जल्दी नहीं। ठीक है सर, ये था अभी इतना